नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ, ब्लैक शॉट में आपका स्वागत करता हूं। ये जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूं, इससे आपका जो इंटरनल मेमोरी है उसका जितने सारे डाटा होगा, जिसका जितने सारे आपका जो इंस्टॉलेड ऐप होगा, फोटोज़ वगैरह और भी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होगा, वो डिलीट हो जाने वाला है, वो रिकवर नहीं हो सकता है। अगर आप रिकवरी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके रखे हैं कोई भी मेल्स को, इससे क्या होता है, आप अपना फ़ोन में जैसे ही कोई कुछ डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो अपने आप बैकअप में आ जाता है। अगर आप बैकअप ऑप्शन ऑन करके रखे थे तो बहुत ही अच्छा बात है, अगर आप बैकअप ऑप्शन ऑन नहीं करके रखे हैं तो ये जितने सारे आपका डेटा है वो लॉस हो जाएगा, वो रिकवर नहीं हो सकता है। आप 101% आप श्योर हो जाए कि आपको रीसेट करना है इस तरीके से, तभी ये तरीका अपनाएं। ओके, तो आप अपना फ़ोन को ऑफ़ कर दीजिए जैसे आप पावर ऑफ़ करते हैं। ओके, जस्ट मिनट, ये पावर ऑफ फिर क्लिक कर दें। ओके, ये आपका फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो ये आपका फ़ोन जो है पावर ऑफ हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो तीन बटन है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम डाउन एंड ये पावर ऑफ ऑन बटन जो है। आपको क्या करना है, आपका जो वॉल्यूम अप की है, मतलब बटन है, उसको और पावर ऑन ऑफ बटन को एक साथ पकड़ना है। जस्ट 10 या 15 सेकंड तक आपको पकड़ना है तो ये आपका फ़ोन कुछ खुल जाएगा इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो ये आपका फ़ोन इस तरीके से खुल गया। यहाँ पे आपका बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, रुकिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका टचेस काम आएगा, मतलब आप टच करके आप कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिकवरी जो ऑप्शन है इसको आपको चूज़ करना है। ओके, तो जस्ट आप रिकवरी जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक कर दें, मतलब टैप कर दें। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, लेकिन वो जो है कुछ 2-4 सेकंड लगेगा खुलने में जो ऑप्शंस हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ गया है। ओके, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपका जो रेड रेड जैसे हाईलाइट किया हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन से आप मूव हाईलाइट, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे जो ऑप्शन है, रिबूट सिस्टम, अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। ये आपको जाना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट में। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका जो मार्क है, ये जो आपका वॉल्यूम बटन है, इससे आप आगे नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो एक दो नंबर पे, तीसरा नंबर पे जाना है तो एक दो बार जस्ट वॉल्यूम डाउन प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वाइप डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पावर बटन टू सिलेक्ट, मतलब इसको सिलेक्ट करने के लिए, मतलब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक बार आपका पावर जो ये है बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप ये जो आपका पावर ऑफ ऑन बटन है उस पर क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वो भी अलर्ट कर रहा है कि आपका जो डेटा है अगर आप कंफर्म करते हैं तो ये अंडू नहीं हो सकता है, मतलब बैकअप नहीं हो सकता है, कैसे भी आपको मिल नहीं सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, नो नो नो, उसके बाद बीच में जो है येस, डिलीट ऑल यूज़र डाटा, उस पर जाना है। ओके, तो वही सेम प्रोसेस जो आपका वॉल्यूम अप डाउन करके आप ये जो हाईलाइट को ऊपर नीचे कर सकते हो। ऊपर मतलब वॉल्यूम अप मतलब ऊपर जाना, अब वॉल्यूम डाउन मतलब नीचे आना। ओके, तो नीचे आते हैं, यस, वही आपको सिलेक्ट करना है पावर बटन को यूज़ करके। तो आप जो आपका पावर बटन है उस पर क्लिक कर दें तो आपका जो जितने सारे डेटा है वो डिलीट हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वाइपिंग डाटा, फॉर्मेटिंग डाटा, फॉर्मेटिंग केज, डाटा वाइप कम्प्लीट। ये आपका डाटा वाइप कम्प्लीट हो गया है, कुछ जस्ट सेकेंड लगता है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर पावर डाउन जो है, पावर डाउन पे चले जाएं, वही सेम प्रोसेस वॉल्यूम अप डाउन को यूज़ करके आप ये जो हाईलाइट है उसको आप डाउन कर लें नीचे। आप यहाँ पे रिबूट सिस्टम नाउ भी कर सकते हैं, आप पावर डाउन भी कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पावर डाउन कर लें। ये जितने सारे आपका मोबाइल मिलेगा वही सेम प्रोसेस है, एकदम वही यूज़ करना है, यही की को यूज़ करना है। ओके, तो नीचे जाते हैं पावर डाउन। ओके, ये पावर ऑफ ऑन को क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ये ऑफ हो गया। ओके, जस्ट 2-3 सेकेंड बाद आप अपना जो फ़ोन है उसको फिर से पावर ऑन कीजिए, ये पावर की दबा के। ओके, ये ऑन हो रहा है, कुछ समय लगेगा। ये जो आपका फ़ोन है फिर से रिस्टार्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जितने सारे डेटा है फिर से जो आपका फैक्ट्री रीसेट हुआ है, जितने सारे प्री इंस्टॉलेड ऐप होता है वो सब आपका फिर से इंस्टॉल होगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। जैसे आपका एंड्रॉयड वर्सन को जैसे अपडेट करते हैं तो कुछ टाइम लगता है,
तो उस तरीके से थोड़ा बहुत टाइम लगेंगे फिर से खुलने के लिए, तो ज़्यादा घबराइएगा मत, थोड़ा बहुत टाइम दे दीजिए ताकि वो अपने आप ठीक ठाक कर लें और आपका जो डिवाइस है वो ओपन हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे नए वीडियोस की जानकारी आप पा सकते हो। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, इससे मेरे नए वीडियोस का मतलब लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।